कमाल हो गया दलजी जी, थैंक यू। मेरा मन कह रहा है आपको जितनी बार थैंक यू कहूँ ना वो कम है। यार ने कमाल कर दिया आज, कुछ समय के लिए सही। पर जानवी का मेरे बर्थडे पे आना, मुझे विश करना, बैरी का मुझे गले लगाना, ये सच में आपने अनहोनी को होनी कर दिया। जिन्हें राजीव जी जो होनी होती है ना वही होनी चाहिए, और अनहोनी से होनी होना तो अनहोनी से बेटर ही है ना। और लाइफ में अनहोनी ना हो तो ही अच्छा है जी। अनहोनी को तो अनहोनी इसलिए बोलते ना क्योंकि क्योंकि वो होनी नहीं होती। तो जो होनी नहीं होती वो क्यों हो, वो नहीं होनी चाहिए। समझ गए ना आप? गुड नाइट। क्या क्या गई है? होनी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, समझनी मामा, अनहोनी होनी क्यों होनी चाहिए? जो हुआ अच्छा ही हुआ। बाबा जी मेहर करना, किसी भी हालत में कोई अनहोनी होने ना पाए। मुझसे और किसी से प्यार नहीं हो पाएगा, कोई और मेरी लाइफ में प्यार लेकर नहीं आ सकता बाबा जी, क्योंकि प्यार तो एक ही बार होता है ना, जो मैंने अपने रविंदर से किया है। मेरे रविंदर की जगह कोई नहीं ले सकता। दीदी आप बहुत खुश लग रही हैं। नहीं तो? हाँ, खुशी की तो बात है। After all, इतने दिनों बाद मैंने पापा को खुश देखा। सच में आज तो बड़ा मजा आ गया पार्टी में। और ना मम्मा को यू अचानक देखकर ऐसा लगा जैसे वो सच में हमारे साथ थी। ओए, तुझे क्या हो गया? तू खुश नहीं है? नहीं दीदी, मम्मी को देख के मैं बहुत खुश हुआ और पापा को खुश देख के भी। लेकिन लेकिन क्या? लेकिन दीदी, पापा के बर्थडे के लिए जो हमने प्लान किया था वो हम कर ही नहीं पाए। क्या? पैरी को एक्सपोज करना था हमें। लेकिन कैसे? तेरे पास कोई सबूत है? रिशु पैरी ने ना खुद ही एक्सेप्ट कर दिया था कि उसने तेरा लैपटॉप यूज करके मम्मी की फोटो वीडियो और वॉइस ली थी। तो कैसे साबित करता? चल बता। दीदी आप तो ऐसा मत कहिए, जबकि आपको पता है कि वो बैरी पापा के साथ कैसा खतरनाक खेल खेल रहा है। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए वो कैसी कैसी प्लानिंग कर रहा है। उनके गुड बुक में आके वो उनके साथ ही बुरा करने वाले। दीदी जो हमारे पापा को नुकसान पहुंचाने वाला है, आज पापा ने उसी को हक किया। नहीं दीदी, ये ना सही नहीं हो रहा और मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। रिशु, 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 रिशु यार, सुन, तू ठीक नहीं कर रहा। रिशु मैं कह रही हूँ रुक जा यार, रिशु रुक। बेरी, इधर। रिशु नहीं। आज तो मैं जानकर इधर, तू इधर। अब मुझे बोल असली बात क्या है। मेरा कॉलर छोड़ ऋषभ। मैं तो तेरा कॉलर तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे ये नहीं बता देता कि तू मेरे पापा के खिलाफ क्या प्लानिंग कर रहा है। देख ऋषभ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे पापा के खिलाफ कोई प्लानिंग नहीं कर रहा हूं। झूठ। देख बेरी, मुझे सब सच पता है कि तू क्यों मेरे पापा के करीब आना चाहता है, क्यों तू उनके गुड बुक में आना चाहता है, क्यों तू उनके सामने अपनी ऐसी अच्छी इमेज बना रहा है। अब बोल। छोड़ ऋषभ, ये तू क्या सोचता है मेरे बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे एक बात बता कि मेरे पापा ने तुझे सबसे पहले केक क्यों खिलाया? रिशु चल ना यार। नहीं दीदी, मैं बताता हूं क्यों खिलाया।
क्योंकि मेरे पापा की आंखों पे तूने जो अच्छाई का पर्दा डाला ना, और उस पर्दे की वजह से तेरी असलियत मेरे पापा को दिखाई नहीं दे रही, और ना समझ आ रहा है कि तू क्या गेम खेल रहा है। छोड़ना ऋषभ, प्लीज चलते हैं ना। देख ऋषभ, ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरे अंदर की जेलसी बोल रही है। ये मेरे अंदर का बेटा बोल रहा है अपने पापा के लिए, और मैं अपने पापा को कुछ होने नहीं दूंगा। और एक बात कान खोल के सुन ले बैरी, अगर मेरे पापा को एक खरोच भी आई ना, तुझे भी नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। लास्ट वार्निंग, मेरे पापा से दूर रह। गुड मॉर्निंग। जी जी, क्या कि सुबह जब मैं उठा तो आप कमरे में नहीं थी, नाश्ता भी पहले कर लिया आपने, अब सुबह से पहली बार दिख रही है तो मैंने कहा पूछ लूं सब ठीक है ना। कि गाड़ी का इंतजार कर रही है, ठीक है बैंक में मिलते हैं। अरे ये तो अनहोनी होगी भाई, एक किक में स्टार्ट हो गया स्कूटर। जल्दी जी, आपने अनहोनी को होनी कर दिया। अनहोनी को होनी कर देगा जब जीवन में आएगा प्यार, कितना भी मुंह मोड़ लो लेकिन प्रेम से होगा जीवन का श्रृंगार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक कल पूछो। पूछो। ये अनहोनी क्या होती है? अनहोनी नहीं, अनहोनी बेटा, जो काम हो नहीं सकता वो हो जाए तो वो अनहोनी होती है। जैसे स्कूटर एक एक स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट हो गया आज, हो गई अनहोनी। बेटू जी, ये होनी अनहोनी ये सब बातें ना, ये सब बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो हमने एक कल पूछा, आप इनके साथ बैंक क्यों नहीं जाती है? बेटू जी, अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो आप? है जी, क्योंकि मम्मा देश का ईंधन बचाना है। क्या बचाना है? अरे डीजल पेट्रोल की बात कर रहा है ये। हाँ, हम लोग को स्कूल में सिखाया गया है देश का ईंधन बचाना चाहिए। अगर दो लोग एक ही जगह पर जा रहे हो, उन्हें अलग अलग गाड़ियों में नहीं बल्कि एक साथ एक ही गाड़ी में जाना चाहिए। आप दोनों तो सेम बैंक में जाते हो ना, तो आप लोग एक ही गाड़ी में जाइए, इससे देश का ईंधन बचेगा। मैं बोल तो सही रहा बच्चा, बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, आप आइए मेरे साथ मेरी कार में। अरे आपका गणित सच में बहुत कमजोर है। मुझे एक बात बताइए, आपकी जो गाड़ी है क्या एवरेज होगी उसकी? 10 की होगी। मेरा स्कूटर था 50 की एवरेज। अगर 100 रुपए का तेल डलवाया हमने तो आपकी गाड़ी चलेगी 10 रुपए पर किलोमीटर, हमारा स्कूटर 2 रुपए पर किलोमीटर। 8 रुपए की बचत हुई ना, इसलिए देश का ईंधन और हमारा पैसा, इसे बचाना हमारे हाथ नहीं है। चले स्कूटर में चलिए। नहीं मैं देखिए कार आ गई मेरी। मैं अपने कार में ही जा रही हूँ। ओके जी, जाइए बेटा। बाय बेटू जी, बैरी भैया के साथ आ जाना। गुड मॉर्निंग मिस्टर बंसल। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कमाल, अभी तो स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ? ये ततैया काट गया। ततैया? अरे मधुमक्खी। अच्छा, दवा लाऊं क्या? नहीं नहीं, सही हूं मैं। अरे रुकिए, मैं किक मारता हूं। अच्छा
तुझे पहचानता है स्कूटर है, इसलिए टाइट हो गया। चलो फिर मिलते हैं शाम को। बाय बाय। देखा, स्कूटर को भी पता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। एक बात और, तुझे पहले भी समझा चुका हूं, आज एक बार फिर समझा रहा हूं, मत खेलिए खेल मेरे पापा के साथ, क्योंकि उनका बेटा तुझे तेरे इस खेल में सक्सेसफुल होने नहीं देगा, इसीलिए दूर रहे मेरे पापा से। देख ऋषभ, मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं और दोबारा कह रहा हूं, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूं, ये तेरी मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हाँ, मैं किसके साथ रहूंगा और किससे दूर, वो तेरा लुकआउट नहीं है, समझा? हेलो टाइगर, मैं पहुंच गई हूं यहां। तुम कहां हो? बैंक के लिए निकल गए? ठीक है। गुड मॉर्निंग मैडम बजरंगबली की पासे। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, कैसे आप? अच्छा। नमस्ते सर बजरंगबली की पासे। अरे सर, ये हाथ में क्या हो गया? मधुमक्खी ने काट लिया। ये शुभ संकेत नहीं है। किसका? सर मधुमक्खी के काटने के। सर हमारी सासू माँ कहती है अगर मधुमक्खी हाथ में काट लेना तो जरूर कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। ओ जी मिश्रा जी, ये संकेत वंकेत ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। राजीव जी, तुसे ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। सर हम आपके लिए मलहम लेके आते हैं बजरंगबली की पास से, जल्दी ठीक हो जाएगा, अभी ले आए सर। जी मैनेजर साहब। अरे शास्त्री जी, आइए आइए आइए। नमस्ते मैडम, मैं जनार्दन शास्त्री। ये पास में जो मंदिर है ना, उसके ट्रस्टी हैं। अच्छा जी, नमस्ते। ये इसमें क्या है? गैस है। आपने जो कहा था वो निकला सही, बैरी जमा रहा है प्लानिंग का दही। यो बेटा, अगर मैं तुम्हारी स्टाइल में कहूँ ना तो ये दही फैलेगा बन के एक दिन रायता, फिर कोई नहीं कर पाएगा तुम्हारी सहायता। यो तुमने वो कहावत सुनी है ना, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही इस बहरी की काट मैं हूं। मुझे मुझे अपने घर ले चलो। नहीं, मैं बहरी को कोई क्राइम नहीं करने दे सकता। मैं नहीं, खड़े रहो ऋषो, एक मिनट। हाँ हाँ, चल माना बहरी गलत है, लेकिन यार इनकी गारंटी कौन लेगा? ये क्या टॉप सीक्रेट है, आप प्लीज। हाँ हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो। और हम इन पे बिलीव कैसे कर सकते हैं? है? चलें घर चलें। शक्ति अंकल, आप हमारे साथ घर नहीं चल सकते क्योंकि घर में आपके साथ कोई भी कंफर्टेबल नहीं, तो अगर आपको हमारी हेल्प करनी है तो बाहर से ही करनी होगी। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो, लेकिन तुम लोगों को मुझे पल पल की खबर देनी होगी। मेरे पास ना एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। यो जम के हंगामा करो, और अगर तुम लोगों ने मेरी सलाह नहीं मानी तो मेरा आइडिया बुरा मान जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। यो लॉयर नहीं बनना। यो 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 कहाँ हो गया टिट्टू की माँ? कौन है? बिजली विभाग से आई है ये। खम्मा गणी अंकल जी। गणी खम्मा, पर बिजली का बिल तो हम टाइम से भर देते हैं भाई हर बार। नहीं नहीं नहीं, मैं मीटर रीडिंग के लिए आई हूँ। भाई पिछले हफ्ते ही तो आपका वो एक कर्मचारी आया था, मीटर की रीडिंग लेके गया वो। जी हाँ अंकल जी, वो मशीन में एरर होने की वजह से हमें दोबारा से रीडिंग करनी पड़ रही है सबके घर की। ओ। तो इसलिए मैं आई हूँ। आ जाओ जी, आपको मीटर दिखा दो। राजीव जी, इतना सारा कैश? मंदिर का पैसा है ना, मतलब जो दान पेटी पे चढ़ावा चढ़ता है ये वो है।
मंदिर का जो ट्रस्ट है उसका अकाउंट हमारे बैंक में है, हर साल आता है पैसा इसी टाइम पे, इस बार कुछ ज्यादा आया है। शास्त्री जी इस बार चढ़ावा अच्छा चढ़ा है। सब भक्तों की श्रद्धा है, इस बार महाशिवरात्रि में भक्तों ने खुलकर दान किया है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, भक्तों को कहिए जो चढ़ावा चढ़ाते हैं ये डिजिटली दे, आजकल देश में डिजिटल हो रहा है ना, इतना सारा पैसा बैंक में रखने में दिक्कत हो जाती है, हेड ऑफिस भिजवाना पड़ेगा, कल भिजवा दूंगा, इस बार तो चलता है कोई बात नहीं, अगली बार के लिए ध्यान रखिएगा। राजीव जी आप जानते हैं दान का जो पैसा होता है ट्रस्ट एक बैग में रखकर सील कर देती है, हमें खुद नहीं पता होता कि कैश कितना है, और हर साल की तरह बैंक में ताला खोला जाता है और दान की राशि गिनी जाती है। सर हम क्या कह रहे थे, ये मधुमक्खी ने जो आपके हाथ में काटा है वो ठीक नहीं हुआ, हम कह रहे हैं आप डॉक्टर को दिखा दीजिए बजरंगबली के पास। कोई बात नहीं, लोहा रगड़ दूंगा ठीक हो जाएगा। राजू जी ये लीजिए। ये क्या? नेल पॉलिश रिमूवर। मैं तो नेल पॉलिश लगाता हूँ। अरे सर ने कहा नेल पॉलिश लगाइए मैडम, है बजरंगबली के पास। पता है मुझे मिश्रा जी कि सर ने नेल पॉलिश नहीं लगाई है, पर इससे ना ये जो सूजन है ये कम हो जाएगी। लीजिए लीजिए लगाइए। नहीं ठीक है ठीक है। क्या ठीक है राजीव जी, तुम भी ना कमाल ही करते हो। लाइए अपना हाथ, चुपचाप लाइए अपना हाथ। बाबा जी ये क्या हो रहा है, मैं ये सब क्यों कर रही हूं, मेरा इतना कंसर्न दिखाना कहीं कहीं राजीव जी तक गलत सिग्नल ना पहुंचा दे, सच में अनहोनी ना हो जाए। अरे क्या हो गया जी? कुछ नहीं हुआ जी, लगाइए आप, मधुमक्खी ने तो एक ही हाथ में काटा है ना आपके पास एक हाथ, लगाइए आप। कमाल की महिला है, अभी खुद जबरदस्ती नेल पॉलिश रिमूवर लगा रही थी और अब मुझे झाड़ लगा रही है। आज सुबह से देख रहा हूं मैं, कुछ तो चक्कर है, जुबान पे कांटे रहते थे इनके लेकिन आज तो कांटे पे जुबान है। अंकल जी मुझे लगता है कोई है जो आपके मीटर से बिजली की चोरी कर रहा है। बिजली की चोरी? अरे मारे मीटर से ऐसे कोई बिजली की चोरी कैसे कर सके भाई। पापा बिल्कुल सही कह रही है, आजकल होती है चोरी। मैडम आप ना एक काम करिएगा, आप पहले यहाँ चेक कर लो, उसके बाद में मेरे घर का भी मीटर और मेरी ना दुकान भी है, आप वहाँ भी चेक कर लेना। बेटा हाँ। पहले तो दो हमारा मीटर चेक कर ले ये वाला, और फिर इसके बाद इसके घर का और इसके दुकान का भी चेक कर ले। अंकल जी अगर पता चल जाए कि आपके मीटर से बिजली की चोरी हो रही है तो अगले महीने से आपका बिल आधे से भी कम आएगा। है? बिल आधा हो जाएगा, तब तो अच्छे से चेक कर ले भाई तू मीटर। उसके लिए अंकल जी घर के हर रूम के कनेक्शन को चेक करना पड़ेगा, हो सकता है बिजली की चोरी ना हो रही हो, कहीं पे लीकेज हो। अभी अच्छे से चेक कर लो फिर, ठीक है? चल चलो। हो गया राजीव जी? हाँ आप निश्चिंत रहिए, आपके पैसे सेफ है, मतलब सेफ में सेफ है जी। बस यही डर लगा रहता है कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। नहीं नहीं कोई अनहोनी नहीं होगी, कैसी बातें कर रहे हैं आप, यहाँ जो पैसा है ना बिल्कुल सेफ है, कल पहुंच जाएगा हेड ऑफिस, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है जी। ठीक है चलता हूँ, जय श्री खाटू श्याम जी। खाटू श्याम जी की जय। राजीव जी क्या बात होगी, बड़ी बेचैन सी लग रही है। क्योंकि मैं बेचैन हूँ राजीव जी, आप जानते हो मैंने अपने पूरे बैंकिंग करियर में मैंने इतना सारा कैश कभी नहीं दिखा इकट्ठे। कैसे इंसान है आप? मैं तो सही इंसान हूँ। ओहो पहले मेरी बात पूरी तो होने दीजिए आप, मुझे पता है कि आप अच्छे इंसान हो, पर मेरा मतलब ये था आपके बैग में इतना सारा कैश है और आपको जरा से भी टेंशन नहीं हो रही है। दलजीत जी झूठ मैं बोलता नहीं, सच बात यह है कि मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इतना सारा पैसा मतलब हर साल से 3 गुना ज्यादा पैसा आया इस साल है, बहुत पैसा है, किसी तरह ये पैसा कल हेड ऑफिस सही सलामत पहुंच जाए तब जहन की सांस लूंगा मैं, सच बात तो ये है। बंदा
साढ़े तीन बज के गेट तो बंद कर दो। हाँ चल। क्या मिश्रा जी, आपने शटर नहीं बंद किया? टाइम हो गया ना? हाँ सर, बंद कर रही है, मान नहीं रहे। भाई साहब क्या, आपको जो भी काम है ना कल आइएगा, बैंकिंग आवर समाप्त हो चुके हैं। है? अरे ये आवाज किसी आ रही है? तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.